सर्दियों के खाने की अगर बात हो तो बात मूंग की दाल के हलवे के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। और अगर मूंग की दाल के हलवे को घर में बनाने की बात हो तो सबसे बड़ा टेंशन होता है मूंग की दाल का कढ़ाई में चिपकना। तो बस आपकी इसी टेंशन को दूर करने के लिए और आपके स्वाद का ख्याल रखने के लिए आज का हमारा वीडियो है इंस्टेंट मूंग दाल हलवा। लेकिन बस इतना ही नहीं, इस हलवे में ट्विस्ट भी है फ्लेवर का। तो बस वही जानने के लिए चलिए मेरे साथ इंडियन जायके में। तो हलवे की शुरुआत करते हैं, जिसके लिए हम लेंगे एक कप मूंग की दाल, जिसे अच्छे से धो लेंगे और फिर इसका पूरा पानी निकाल देंगे। छलनी में इस तरह थोड़ी देर पकड़ करके रखेंगे तो इसका एक्सेस पानी निकल जाएगा। या फिर आप किसी कपड़े पर भी मूंग की दाल को फैला करके सुखा सकते हैं। फिर एक पैन में दाल डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए दाल को भुनेंगे। देखिए दाल का कलर चेंज होने लगा है और इस तरह की गोल्डन ब्राउन दाल होने तक इसे भुनना है। फिर गैस बंद कर देंगे और दाल को ठंडा होने पर इसे दरदरा पीस लेंगे। वैसे मार्केट के हलवे में दाल दरदरी पिसी हुई होती है, पर आपकी पसंद है। अगर आप स्मूथ टेक्सचर चाहते हैं तो दाल को थोड़ी बारीक भी पीस सकते हैं। अब पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच घी और लंबाई में कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आप अपनी पसंद से काजू, बादाम, पिस्ता कुछ भी ले सकते हैं और इन्हें मीडियम फ्लेम पर हल्का सा सेक लेंगे ताकि इनकी नमी निकल जाए। फिर ड्राई फ्रूट्स को पैन से निकाल लेंगे और उसी पैन में आधा कप घी और डालेंगे। फिर इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सूजी। जी हाँ, सूजी हम इसमें डाल रहे हैं। मार्केट में भी हलवाई मूंग की दाल के हलवे में थोड़ी सी सूजी मिलाते हैं, इससे मूंग की दाल का हलवा कढ़ाई में चिपकता नहीं है और हलवे में दरदरा टेक्सचर भी देता है। इसके साथ ही हमने इसमें 1 चम्मच बेसन भी डाला है, क्योंकि ये भी हलवे का जायका बढ़ाता है। फिर इसे नमी निकलने तक 1 मिनट भून लेंगे और फिर इसमें डालेंगे हम पिसी हुई दाल और इसे 1-2 मिनट तक भून लेंगे। अब दाल भुन गई है और अब इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी। बस यही ट्विस्ट है यहाँ, हम चीनी को कैरमलाइज होने देंगे। गैस को मीडियम रखेंगे और हलवे को चलाते रहेंगे ताकि चीनी जल्दी जल्दी मेल्ट हो और हलवा जले नहीं। ध्यान रखना है चीनी मेल्ट होने लगी है, इसे चलाते रहना है। ये देखिए कलर चेंज होना शुरू हो गया है और चीनी मेल्ट हो गई है। अब फटाफट से इसमें 1/4 कप दूध डाल देंगे ताकि चीनी जले नहीं और एकदम परफेक्ट कैरमल बन जाए। इसे अच्छे से चलाएंगे और आप देख रहे हैं इसमें कुछ बबल्स आ रहे हैं और ये काफी गाढ़ा होना भी शुरू हो गया है। इसे चलाते रहें और जब ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे 450 ml दूध। दूध हम यहाँ पर फुल फैट मिल्क ले रहे हैं। दूध डालकर के भी मिक्सचर को चलाएंगे और इसमें 1/2 कप पानी हम और मिला रहे हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे अच्छे से चलाते हुए गाढ़ा करना है। ये हलवा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। यहाँ पर हमने मावा बिल्कुल काम में नहीं लिया है, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारा दूध मिलाया है। दूध जैसे जैसे गाढ़ा होगा हलवे में वो मावे का टेक्सचर देना शुरू करेगा। और फिर इसमें हम डालेंगे केसर, जिसे दूध में भिगो करके रखा था। केसर वाला दूध डाल करके भी इसको बहुत अच्छे से हमें भुनना है। हलवे को हमें तब तक पकाना है जब तक कि घी नहीं छोड़ने लग जाता। अब हलवा घी छोड़ने लगा है, इसमें हम 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, साथ में 2 टेबलस्पून घी और डालेंगे। साथ ही कटे हुए नट्स जो हमने सेक लिए थे वो भी इसमें डालेंगे। अब मूंग की दाल का हलवा बनकर के तैयार है, जो फटाफट बना है बिना मूंग दाल को भिगोए, और इसका कैरमलाइज फ्लेवर तो इसके जायके को और भी बढ़ा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस रेसिपी का देखना पसंद करेंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।